ये फिल्म हमारी है हॉरर कॉमेडी, अच्छी फिल्म है, खूबसूरत कहानी है, एक अलग कहानी है। जैसे ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में जो एक रिपीटेड स्टोरी चलता रहता है, उस टाइप का नहीं है। हमारी एक फिल्म के अंदर में पांच कहानियाँ हैं, लाइक जैसे रामगोपाल वर्मा जी का था डरना मना है, दैट टाइप्स। तो हम इसमें कॉमेडी और हॉरर मतलब थ्रिल दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। पब्लिक का फुल इंटरटेन होगा, और आजकल इंटरटेन की ही ज़रूरत है, जो पब्लिक बहुत ज़्यादा बोर हो गई है फिल्में देखने से। दूसरी चीज़, हमारे फिल्म में न्यू स्टार कास्ट भी सपोर्टिंग में, मार्केट की आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, आपका अगर बेस अच्छा है, अगर कंटेंट आपका अच्छा है, तो पब्लिक उसको पसंद करती है। कंटेंट अच्छा नहीं है तो चाहे किसी को भी ले लो, किसी को पसंद नहीं आता। हम एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और हम 10 तारीख से इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली मुहूर्त के साथ ही शूटिंग करना था, लेकिन कुछ वजह के से हम लोग रुक गए कि चलो 5 का मुहूर्त कर लेते हैं, फिर 10 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आउटडोर भी है, हाँ मुंबई में ही है, बदलापुर, वहाँ रिसोर्ट जंगल वगैरह, इसमें जो कहानी के हिसाब से वो लोकेशन वहाँ पे अवेलेबल है, और हम लोग वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पर हम लोग शूट करेंगे, और नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग मडालैंड में करेंगे, पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स के बारे में बताएं, कैसे ये अभय तिवारी जी हैं, एक्चुअली ये हमारे दोस्त हैं, कहाँ गए, ये राज यादव जी, इन्होंने मुझे इस पिक्चर की साइनिंग 6 महीना पहले दी थी। फिर हम थोड़ा बिजी थे अपने 2-3 फिल्मों को लेकर के, और इनका प्रोग्राम बनता ही रहता था। इस बार जो है फाइनल प्रोग्राम पे ही आया, मैं भी फुर्सत में था, क्योंकि इसके बाद मेरी एक बड़ी फिल्म स्टार्ट हो रही है, मोक्ष धाम, जो बिहार के बैकग्राउंड पे है, लालू जी के रेज्यूम का वक्त का। तो ये इनको मैंने कहा कि भाई अभी करना है कर लो, मैं फुर्सत में हूँ, फिर मैं उधर जाने के बाद में, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये अभय तिवारी जी हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और ये जितेंद्र राय जी हैं, और राज, ये तीनों मिलकर के इस फिल्म को अच्छी फिल्म बनाने के मूड में हैं। बाकी आप लोग से है कि आप लोग इसको थोड़ा सा, राज भाई सबसे पहले हमारे ऑफिस में हम लोग बैठे थे, अपना एक्सप्रेस जोन में मेरा ऑफिस है, और वहाँ पे इनका व्यवहार या इन लोग हम लोग के बीच जो एक कॉम्बिनेशन था, और एक दूसरे को समझने की जो हमारी ये थी, तो हम लोग काफ़ी घनिष्ठ मित्र हो गए थे कुछ ही दिनों में, 1 से 1.5 महीने में, इनकी ईमानदारी के चलते। उसके बाद में हम लोग, इनका ये था कि हाँ एक फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, हम लोग भी बड़ा बड़ा रोमांचित थे कि भाई फिल्म बनेगा, हम लोग भी चलेंगे। हमने इनको बोला था मुझे भी एक छोटा सा रोल दे देना, ये रोल भी कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला हाँ चलो एक आपको रोल देता हूँ। हमको ये था, अब मेरा एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार फ्लाइट में गया तो पटना से मुंबई के लिए पहली बार, तो नहीं सॉरी दरभंगा से मुंबई के लिए, तो दरभंगा जो था वो डिफेंस का है, तो वहां पे आप सेल्फी नहीं ले सकते हो, फोटो नहीं ले सकते हो। तो जैसे ही फोटो लिया, पीछे से सिक्योरिटी ने बोला, पीछे से कॉलर पकड़ के, भाई यहाँ फोटो लेना मना है, मोबाइल छीन लूंगा। बोले भैया फोटो को हम कोई विदेश भेजने वाले नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये फोटो मैं अपने गांव में दिखाऊंगा। क्यों, मैं प्लेन पे बैठा था, मैं प्लेन पे पहली यात्रा थी। अब आदमी को कुछ नया करने का, अब जैसे ही मेरा फिल्म आए, मैं फिल्म में मैं जब आऊंगा तो उसके बाद में गांव के लोग देखेंगे और बोलेंगे कि भैया फिल्म में आ गए आप। कल हमने मुहूर्त का पोस्टर डाला सर, आदिल साहब ना, तालिब, तालिब साहब, कल पोस्टर का ये मैंने स्टेटस में डाला, स्टोरी में डाला, मेरे पास 1300+ लोगों का मैसेज, 100 से लगभग ज्यादा कॉल आए, भैया फिल्म हो रही क्या, पोस्टर में आपका नाम भी है, अभय तिवारी दिख रहे हो। तो बस इतना ही काफी है, हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। और अच्छी चीज बनाएंगे, हमारे ये बड़े भाई हैं, बिल्कुल, जितेंद्र राय नाम है, और इनके छत्र छाया में हम 3 साल से हैं, और बड़ा एक मजबूत कंधा, मजबूत हाथ मेरे कंधे पे है। तो हम लोग तीनों लोग मिलके, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग बराबर के पार्टनर हैं, और तन्मयता, और इसके बाद में मेरे अपने जीवन पे आधारित एक दूसरा हम फीचर फिल्म बनाने जाएंगे, अगर सर का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो हम लोग फिर से बनाएंगे,
बड़े स्तर पे काम करेंगे, बड़े बजट में काम करेंगे, और वो शूटिंग भी उसका हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बिहार में हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में हमारे सारे बच्चे और हमारे भाई लोग हैं एकदम जुटे रहते हैं। तो यही सब है, अपना एक शुरुआत किए हुए हैं, गणपति बापा का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग अच्छा करेंगे। ये तो अंदर की बात थी, अभी गवाएंगे, इनके बाद में गवाएंगे, आपको गाना पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते हैं आप, अब यहीं पे गाएंगे। वो मेरे कंपटीटर थे, हमेशा हराते थे। ये जितेंद्र राय जी हैं। जितेंद्र जी बोलिए। जी जी है, ये बहुत बहुत धन्यवाद है राज जी का और इसाद सर का, जो हम लोगों से जुड़ करके डिस्कस हुआ कि कुछ अलग सीन और अलग कहानी लेकर आए हैं और इसमें जुड़ के कुछ अच्छा करते हैं। तो हम लोगों ने इस कहानी को पढ़े, स्क्रिप्ट को देखे तो लगा कि नहीं, वाकई में कुछ अलग है, तो इस हिसाब से फिर जुड़ा गया है सब। आप लोगों का धन्यवाद है, देखते हैं फिर सीन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फिर आगे और भी आपको तो बुलाते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद, आप लोग तो आते ही रहेंगे। जी जी सर, आप लोगों का धन्यवाद। राज राज जी, राज जी बोलिए, राज भाई खड़ा होके बोलिए। नहीं, राज जी बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, बताइए, कैसे शुरुआत किया आपने इस फिल्म को बनाने के लिए, बताइए। ये इरशाद जी हैं जो इन्होंने मिले, बोले कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म करना है। पहले शॉर्ट फिल्म बना रहे थे इसको, पहले मूवी जो थी ये कौन है, एक शॉर्ट फिल्म थी। फिर बोले, फिर मेरे फ्रेंड मिले, ये राय जी और ये अभय तिवारी जी, बोले छोटी फिल्म, फिर इन लोग का सहयोग मिले, मैं बोला छोटी फिल्म नहीं करेंगे हम, एक बड़ी फिल्म करेंगे। तो इन लोग का साथ मिला और इरशाद भाई बोले, चलो मैं एक अच्छी कहानी देता हूँ, आपका साथ देता हूँ, आप कीजिए, और बाकी ये सब मेरे फ्रेंड हैं, जैसे सेजल जी हुई और ये जन्नत है, सब लोगों का सहयोग है। बगल में मन्नत जी हैं, मन्नत जी हैं, सबका सहयोग वो भी है, और इधर तालिब भाई हैं। कहाँ गए तालिब भाई? तालिब सर किधर गए? तालिब सर तो शुरुआत से बेचारे जुड़े हैं। अपना विलास भाई है, इन लोगों का सहयोग है, इसलिए हम पूरे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कम्प्लीट होगी ओवर इंडिया, ये गारंटी हमारी है। अरे वाह, जन्नत बोलो। हाँ बोलो। बहुत खुशी है सबसे पहले आप सबको देखकर, क्योंकि सबसे बड़ा स्टार आप सब लोग ही हमको बनाते हैं, तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को यहाँ पे आने के लिए। ये बात किसी ने नहीं बोला था, जन्नत ने बोला, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, जो बैक पीछे से रह के हम लोग स्टार बनाते हैं, पर हम लोग से ज्यादा आप लोग स्टार हो हम लोग के नजर में, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। एंड सबसे बड़ी बात, इरशाद जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, दो प्रोजेक्ट में मैं काम, एक वेब सीरीज मैंने किया था जिसमें गुलशन पांडे जी थे और उसमें भी मैंने एज अ लीड खेला था, एंड एक सेकेंड मैंने हॉरर मूवी भी किया, मॉर्गन रिसॉर्ट, हाँ उसमें भी मैंने लीड किया। इन्होंने मौका दिया कुछ कर गुजरने का, हमने भी दम लगा दिया कुछ कर गुजरने का, सही है। एंड अभी भी इसमें मैं जुड़ी हूँ, अब देखते हैं, यहाँ भी लीड करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप लोग, आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि धरती से बड़ा स्टार बनाने वाले आप सब लोग, आप सब लोग लिटरली, थैंक यू सो मच गाइस, और कर रही हूँ काम, बस थैंक यू। मन्नत सोनी जी ये लीड कर रही है फिल्म में, बताइए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा हिंदी का बेस मेरा हिला हुआ है। एनीवे, हां अच्छा लग रहा है, इंग्लिश भी बोलना चाहिए। एंड आई वाज नोइंग दैट ही इज डूइंग समथिंग, cuz आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम हैविंग सो मेनी फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब टू, सो प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इनटू दिस, आई हैव डन सो मेनी टीवी शोज एज अ चाइल्ड, बट इस फिल्म के लिए ही वाज देयर हु टोल्ड मी, टिल नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हेदर आई एम डूइंग और नॉट, बिकॉज़ सम टाइम इट हैपेंस व्हेन यू आर इनटू कंटेंट मेकिंग, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरी काइंड ऑफ कंटेंट, सो फाइनली आई एम फीलिंग चलो लेट्स सी, वंस वी सिट ऑन द स्टोरी देन आई कैन डिसाइड। बिसाइड दैट, हां एज आई सेड, थोड़ा सा बेस खराब है हिंदी का, थैंक यू सो मच। बॉबी बर्मन, बॉबी देव, हम बताइए। हाय, मेरा नाम है बॉबी देव,
सबसे पहले मैं तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो खास है और मुझे किरदार निभाने के लिए मुझे खास चुना गया है यहाँ पे। डायरेक्टर इशाद जी एंड प्रोड्यूसर जितेंद्र रॉय जी एंड अभय तिवारी जी, राज यादव जी, राज यादव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और जो भी यहाँ पे खास किरदार निभा रहे इन सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ एंड आप सभी को जो आगे हम लोग ऊंचे पद में पहुँचाते हैं। और इससे पहले भी इशाद जी का जो मौका रिसोर्ट बोल के एक हॉरर मूवी थी तो उसमें मैं एज ए लीड में किरदार निभा चुकी हूँ। तो आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट अगर मिले तो ये मूवी में भी आप सभी का नहीं है तैयारी बताएंगे ताकि हम लोग आगे और भी बढ़ सकें। नहीं कोई नहीं, आप बोलिए, आप सभी का आशीर्वाद भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। एवरीवन दिस इज मी अर्पिता दास और मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने और दो फीचर फिल्म में काम किया हुआ है और अभी इनके साथ इशाद जी है और प्रोड्यूसर्स तीनों प्रोड्यूसर हैं और सबने मुझे इस किरदार में जो रोल के लिए मुझे कास्ट किया है उसके लिए सबको थैंक यू सो मच सबको और बस दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट। गाने दो हैं सर, एक गाना जो है अपना वो कैलाश खेर का गाया हुआ है और एक गाना शाहिद मालिया का गाया हुआ है। गाने दो हैं क्योंकि आजकल हॉरर में क्या है डिस्ट्रीब्यूटर का डिमांड ही नहीं होता, वो बोलते गाना मत डालो, लेकिन इसमें चूंकि गाना अगर नहीं डालेंगे तो पूरी कहानी मर जाती है क्योंकि लड़कियाँ तीन तीन पेयर हैं तो उस हिसाब से गाना हमने दो गाने रखे हैं और एक गाना और बढ़ाने की इन तीनों का डिमांड हो रहा है कि एक आइटम सॉन्ग और डाल दो इसमें। तो ममता शर्मा जी से गवाएंगे वो आइटम सॉन्ग जिन्होंने गाया था मुन्नी बदनाम हुई, उन्हीं से गवाना है तो वो अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बाकी दो गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। फिलहाल जहाँ जा रहे हैं वहाँ दो ही गाने का जगह, आइटम सॉन्ग तो हम कभी भी कर लेंगे। गाने तीन हैं लिटरली आज में जी जी, ये सभी लोग हैं, आदि ईरानी है, रमेश गोयल है और ये हैं और गुलशन पांडे हैं, ये सारे लोग हैं। मैक्सिमम 4 मंथ, 4 महीने में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। कौन कुछ बोलिए मैडम, किनको सबको धन्यवाद दे रहे हैं। ये बच्ची बोलने में थोड़ा सा संकोच कर रही है। कोई नहीं कोई नहीं, कहानी से संबंध ये है कि जैसे हमारी कहानी में ऐसा है कि इसमें कोई भूत ऐसा डराने के लिए नहीं आने वाला, एक सजेशन है कि एक आंख है जो सभी को देख रहा है, फिर उसकी एक कहानी अलग से जाएगा, मतलब 5 कहानियों में एक कहानी वो भी है। तो वो हमने हम फिल्म में भी यही दिखाने वाले हैं कि आंख है जो सबको फॉलो कर रहा है, कोई आदमी नहीं है, तो उस हिसाब से इसका नाम हम लोगों ने टाइटल, एक तो जल्दी मिलता नहीं अच्छा जो टाइटल ढूंढो वो मिलता नहीं, तो जो 4-5 टाइटल दिए गए उसमें ये मिला मोले यही रख लो, अभी दूसरा उपाय तो है नहीं, तो यही रखा गया। तो इस हिसाब से मैंने रखा, कहानी तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉमेडी है और थ्रिल है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा वायलेंट नहीं दिखाया गया कि एकदम ये हो रहा वो हो रहा, रिपीटेड में नहीं गए, एक नॉर्मल जैसा एक अच्छी स्टोरी चल रही, लोग इंटरटेन में है, मजाक कर रहे तो अच्छा लगता है। इंटरवल के पहले उठना नहीं चाहिए पब्लिक, ऐसी कोशिश पूरी की जाएगी। ये गलत बात है, पता है क्या, सबसे पहली एक बात क्या है ना, पता नहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मेरे में क्या दिख जाता है, जल्दी मुझे रिफर करते हैं कि तुम भूत बनो। एक सेक्सी सा भूत, पता नहीं मैं जब से अपनी मतलब इंडस्ट्री में शुरुआत की हूँ मैं भूत का ही बहुत बार कर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों पेटेंट है भूत। अभी भी हमारे जो है जो कैमरे के पीछे रहेंगे मेन गुरु है जो पूछ रहे हैं कि आप बताओ भूत वाली फिल्म कैसी लगती है, बट मेरा मानना है कि मुझे ही भूत बना दिया जाता है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। नहीं सही है, एक सेक्सी सा भूत, प्यारी सी भूत, भूतनी भूतनी भूतनी। या डेफिनेटली, पर थोड़ा थोड़ा बोलना ज्यादा पूरा मत। okay, he, 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 reveal everything.
अपनी बात जितना बोला ना उतनी बोलो जितना बताया उतना बोल दो She belongs to a very small town kind of girl. She is, and it's quite interesting because she's having two shades in this. Because one side she's quite innocent, another side she's very much clever kind of role she's playing. So that is quite interesting for me. And I've never been into horror films first, but let me see how it can make me thrill or not. Because I have seen so many Hollywood films where. I don't know why I do the critic wala thing, so I really don't want that. I'll criticize this film, so better let them say whatever they wanted to say. Actually, इनका जो character है मैं थोड़ा हिंदी में बोल देता. ये एक innocent character, ये innocent है, पर उसमें innocence में ही बड़े-बड़े काम कर जाती हैं. ऐसा line है इनका. इनको नहीं पता ये क्या कर रही, लेकिन audience को पता चलेगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया इसने. तो ऐसा टाइप का है इनका. अच्छा कहानी है, थ्रू आउट है. और उसमें जो तीन लड़कियां, उसमें एक मतलब मेन में जो तीन हैं उनमें एक ही है. त्रिपुरा से हैं. ये जो पांच कहानी है, पांचों में अलग अलग लड़कियां रहेगी. डेफिनेटली पांच कहानी में एक कहानी इनके ऊपर है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं. इनको कहानी पता, कहानी मेरा जो कहानी है उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में बहुत ही बोल्ड और बहुत ही एग्रेसिव और एटीट्यूड वाला है. बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और उसमें करने के लिए बहुत कुछ है. अगर मैं कर पाऊँ तो आई एम डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट. सो वही है, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरा कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए है, बट बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. सर मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि राइटिंग के मामले में मैंने एज ए राइटर, मेरी एक फिल्म आई थी 2005 में, थाम लक्ष्मी थाम. उसमें नगमा ने पहली बार मराठी फिल्म किया था, उसका राइटर मैं हूँ. फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी. दूसरी फिल्म आई थी वसुंधरा, जिसने नेशनल अवार्ड लिया था, उसका भी राइटर मैं हूँ. तो राइटिंग पर शक मत कीजिए, अच्छा राइटिंग करता हूँ. नो डाउट. बॉबी जी बोलिए. ये अभियर स्टोरी के बारे में बता दूँ तो कोई थिएटर में नहीं जाएगा. तो हाँ, जो भी कैरेक्टर है तो ये मतलब यहाँ पे जो भी पांच लड़कियाँ हैं, पांच लड़कियों के अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग स्टोरी है. तो वैसे मेरी भी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है. पांच अलग कहानी, पांच में पांच है. अच्छा, पांच में पांच अलग अलग स्टोरी है. तो इसमें इसमें जो खट्टा मीठा कॉमेडी सब मिल जाएगा, आप सभी को फुल एंटरटेनमेंट मिल जाएगा. मतलब पब्लिक को एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं फील होगा. हम फील होने देंगे, और वैसे हम होने भी नहीं देंगे. हम होने भी नहीं देंगे. आई विल रेस माय मतलब यहाँ पे आफ्टर ऑल मेरा नाम जन्नत है. जन्नत है यार, बगल में मन्नत है. मैं पहले, ये मेरे मोइन भाई है, मैं इनके साथ पहले कास्टिंग करता था. हम लोग ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, विक्रम बेताल, परम अवतार श्री कृष्णा, बहुत सारा शो मैं ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ. फिर उसके बाद साथ में थे तो हम लोग ये बोले चलो वेब सीरीज बनाते हैं. बोला वेब सीरीज थोड़ा मुझे पल्ले नहीं पड़ा, बोला मुझे हॉट सीन और ये सब करना नहीं है, मुझे नॉर्मल और शादी में रहना है. इसलिए मैंने योजना बनाया कि मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ नॉर्मल. फिर वहाँ से इरशाद भाई मिले मुझे, तो उन्होंने बोला कि एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं अपना हॉरर का. बोला ये तो चलो ठीक है. फिर कुछ और लोगों से मिला, अपना जितेंद्र राय जी, तिवारी जी, तो ये लोग बोले कि शॉर्ट फिल्म क्या बना रहे हो, साथ मिले बोले चलो बड़ी पिक्चर बनाते हैं. एक हमारे मोबाइल में भी ले लीजिए. फिर उसके बाद हमने बड़ी पिक्चर प्लान किया. अभी आज हमने इसका मुहूर्त रखा है और 10 से समथिंग शूट रखेंगे. कब रहने दीजिए. नहीं ले लो, फिर भी फुटेज तो सब मिलेगा. फुटेज तो सब देंगे. रुक जाइए दो मिनट. ये एक्चुअली प्लानिंग करते करते ना, प्लानिंग एवरी डे कुछ नया 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 यूनिक इस तरह से प्लानिंग करते थे. और एक फाइनली स्टेज पे खैर इसका आज मुहूर्त हो गया. तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो इनको इन्वेस्टर्स एंड ये सब मिलना थोड़ा टफ होता है क्योंकि
क्या होता है, प्रोजेक्ट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उसके लिए प्रोड्यूसर और फाइनेंसर मिलना बहुत टफ होता है। तो प्लानिंग की है, खैर सक्सेस हुआ है, अभी मुहूर्त हो गया, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा प्रोसेस, अब शूट पे जाएंगे। हेलो, मेरा नाम विजय सोनी है। पहले मुझे राज भाई ने कॉल किया कि विजय आ जाओ, आपके लिए एक कैरेक्टर है, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं आ गया। इन्होंने मुझे कहानी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुरंत ही हाँ बोल दिया। और उसके पहले मैं अभी जस्ट एक मूवी शूट करके आया हूँ जो सूरज पंचोली के साथ है, और मुझे बहुत अच्छा कहानी लगा, कॉमेडी हॉरर। सो दैट्स इट, थैंक यू। मैं लाइट वाला हूँ, मैं इनकी फिल्म में लाइट सप्लाई कर रहा हूँ सर, मेरा गोडाउन नाला सुपरा में। मेरा नाम डीके पोरवाल है, राज भाई मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बोला तो 10 दिन के लिए हमारा लाइट जाएगा इस फिल्म के लिए। थैंक यू सर। हाँ, उत्साहित तो है बिल्कुल। हम गांव में छोटे छोटे पहले रोल करते थे, नाटक होता था वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे हीरो का रोल मिलता था, मतलब लीड रोल उसको बोलते हैं ना, लीड रोल मिलता था। यहाँ अब इस बड़े पर्दे पे आके और फिर पूरा देश देखेगा हम लोगों को, सर प्राउड फील कर रहे हैं काम। दूसरा चीज कि एक अन्योन पर्सन से जुड़ना, हमारे वो क्या है खान साहब, इरशाद खान साहब जब हमारे यहाँ आए और पहली मुलाकात में उन्होंने दिल जीत लिया एज ए फ्रेंड, कहीं कोई तामझाम नहीं, डायरेक्टर डायरेक्टर वाला कोई रुतबा नहीं। और राज भाई जो है, राज भाई का तो हम लोगों के साथ है, छोटे भाई की तरह है, मित्र हैं, सुख दुख में साथ रहने वाले हैं, तो फिर समझिए कुछ नहीं। और उनका जो है वो कभी भी शो नहीं किए कि डायरेक्टर हूँ मैं, हमारे यहाँ आया, जो हमने पानी पिया उन्होंने भी पिया, जो हमने खाया और साथ में वो भी बैठ के खाए। इसके लिए मन लगा और मन किया कि चलो भाई शुरू करते हैं बस। सर हम लोग दोनों साथ में ही बैठते हैं ऑफिस में, तो उस हिसाब से लोग आए फिर जुड़े, कहानी सब बताए। वहाँ पे मेरा रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का है, फिर MTL का कॉन्ट्रैक्टर भी मैं हूँ, इस एरिया में भी बहुत दिनों से काम कराया हूँ मैं, टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर के, तो उस हिसाब से था। फिर अपना बैठना प्रॉपर्टी का है, गोरेगांव एक्सप्रेस जोन में ओबेराय के पास, तो ये लोग आते रहते थे, फिर स्क्रिप्ट लेकर आए, कहानी बताए, वो ऐसा ऐसा है, कोई प्रोड्यूस करने वाला हो तो बताइए, फिर हम लोग डिस्कस किए, बोला कि हम ही लोग कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं, तो उस हिसाब से प्लान बन गया। अब ऊपर वाले की मेहरबानी और जनता लोग का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ और भी सोचेंगे। पहले पहले दो जिस्म एक जान थे, अब तीन जिस्म एक जान हो गए। आशीर्वाद रहता है, कितना क्या करते हैं जी, धन्यवाद। फील्ड तो इंसान का कुछ है ही नहीं, मल्टीफेरियस फील्ड है, हर तरह का फील्ड होता है, सब आदमी के अंदर है, कला तो अंदर है ही, ऊपर जाके बाहर में जाके निकल जाता है, कभी कलाकार निकल गया, कहीं कुछ निकल गया, कोई वैज्ञानिक हो गया, तो हमारे अंदर तो कला है ही सब किसी के अंदर। और गांव के मतलब कि गांव में मैंने नाटक वगैरह किया हुआ है, तो सोचा कि एक बार, अब जो आदमी हवाई जहाज में चढ़ने से पहले सेल्फी के लिए मारामारी करके अपने गांव में दिखाता हो, वो पोस्टर पे आने के लिए, फिल्म में आने के लिए क्या करेगा, आप समझ लीजिए, तन मन और तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, इसके लिए करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। रोल हमारा है इसमें नौकर का, नौकर का रोल है, बट बाद में जाके वो जिस सेठानी का नौकर है, सेठ की बेटी का नौकर है, उसी का हस्बैंड हो जाता है। पूरी कहानी में पता लगा हो गया ना, बस हो गया, सस्पेंस रखिए, हो गया। नहीं हम तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक नहीं हैं, हम ठीक हैं। बहुत खुशी है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं पहले एक मूवी के मैंने किया है, एज अ लीड किया है, कानपुर में आदेश मूवी है, जिसमें इरफान जी है, उस प्रोड्यूसर भी हैं, एज ए हीरो भी हैं, उसमें अली खान जी भी है, अजय मिश्रा, अरविंद जी,
एंड चोपड़ा जी, विपिन जी, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। उसमें मैं आज लीड खेल चुकी हूँ जो अभी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और एक मैंने मॉर्गन रिजॉर्ट जो हॉरर मूवी है या जिसमें मैं भूत बनी हूँ यार। हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे ज़्यादातर भूत बनाया जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, उसमें भी मैंने एज अ लीड खेला है। और एक और मैंने आरू मूवी, आरू वेब सीरीज था, उसमें मैंने गुलशन पांडे जी के साथ खेला था, जो बहुत अच्छा था सफ़र। अब इसमें भी जा रही हूँ लीड खेलने के लिए, और आप सबकी दुआ रहेगी तो आगे भी लीड खेलेंगे यार, बस दुआ कीजिए। As I told you previously that I'm a big critic, I don't know whether I'll gonna like it or not, but especially if when you're working as an actor, so definitely you have to love your project. You have to go for whatever they wanted to do. So my concern is that, okay, fine, I'll... the way he narrated me few of the stories, there is 5 stories in this, so mujhe kuch stories kaafi interesting lagi. So I am feeling that... Okay, fine, I'll do it previously. When he called me, I wasn't here. I was working for my own channel. So, but he convinced me very nicely. And I was like, chalo, let's do it. Thank you. Actually, इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ as a lead. तो इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. और मुझे बहुत खुशी हुई कि next project में भी इन्होंने मुझे किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया गया. और मतलब मैं एक्चुअली दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इमेज बने तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा फैल जाए। तो क्या है कि यहाँ पे सर से बात हो गई थी, तो सर मतलब आप लोगों को भी ऐसे सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग अगर सपोर्ट एंड प्यार देंगे इस मूवी के लिए तो हम लोग सच्चे मन से यहाँ पे किरदार निभाएंगे और अपने 100% देंगे हम सब। तो चौधरी महिमा चौधरी, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम पड़ेगा अजय द्विवेदी, मैं यूपी देवरिया जिला से हूँ, गोपालगंज जिला में रह के सिंगिंग किया हूँ और 5-10 जिला में गाना गाता हूँ। अब मुंबई आया हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, तो मौके की तलाश में हूँ। दो शब्द आपके सामने मैं कुछ गाना चाहता हूँ। जी जरूर सुनाइए। और सर के सामने पहली बार मौका मिल रहा है, तो एक सूफी अंदाज में देखिए नीचे में आई। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बे बस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। अच्छा बोलना है क्या? मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ जल्दी जल्दी ये फिल्म बनवा दो, मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने पटना जाना है। यस हाँ, पहले भी केके में लड़ चुका हूँ, 19 में लड़ा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा को हराया, रविशंकर प्रसाद को जितवाने वाला मैं ही हूँ, फिर जा रहा हूँ लड़ने वापस से फिर हरा दूंगा किसी को। ओके चलो रेडी। पहले आप अपना पूरा नाम बताओ, किस तरह से ये फिल्म मिली आपको? मेरा नाम एक्चुअली मैं शार्क से पहले मिली थी, स्टोरी बताई, स्टोरी काफी अच्छी थी और
हॉरर स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती है और कुछ नया रोमांटिक एक्शन टाइप आजकल हर स्टोरी में हॉरर बहुत कम आ रहा है. सो लाइक इशा से सीरियस स्टोरी में स्टोरी काफी अच्छी लगी. सो काफी इंटरेस्टिंग भी था. उनका नेचर उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा था. काम करने के तरीके में ऐसा लगता नहीं है कि आपको प्रोफेशनल एक्ट करना है. लाइक सब फैमिली की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो एक होता है ना काम के अलावा इंसान का बिहेवियर भी काफी अच्छा होना चाहिए. तो इस वजह से ये साइन किया. हाँ सर, मैंने एक्टिंग सीखा है एक्चुअली. आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस एक्टिंग सीखा है मैंने. कुछ महीने का कोर्स था, वहाँ पे डिप्लोमा वगैरह भी कराया गया था और एक दो एड शूट और शॉर्ट मूवीज भी. मेरा रोल लीड में ही है. जैसे कि जो स्टोरी है उसमें तीन लड़कियाँ हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ. मेन है, ज़्यादा बताऊँगी नहीं स्टोरी के बारे में, बट हाँ मेन है. जी हाँ, रियल नेम है. वैसे प्यार वैसे निकले माही भी बोल देते हैं. महिमा चौधरी आप इसलिए पूछो, पहले भी एक्टर है. नहीं, वो घर वालों ने रखा हुआ है तो वही है. आप बताइए. कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस बॉलीवुड में? मेरी फेवरेट आलिया भट्ट. लोग बोलते हैं नेपोटिज्म ऑल, बट उनकी एक्टिंग लिटरली रियलिस्टिक. उनको हीरोइन नहीं बोल सकते, शी इज अ एक्टर. सच में वो बहुत प्यारी एक्टर है. आप मुंबई से? नहीं, मैं यूपी से. यूपी बुलंदशहर. थैंक यू. हां ठीक है. ओके.